राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी अजमेर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल अजमेर में एक संवाद का आयोजन किया गया। योग आधारित जीवन पद्धति पर आधारित संवाद को पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग को मजहब और जाति से जोड़कर नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर समझना चाहिए। राष्ट्रीय संसद संघ भी अपनी पद्धति के अनुसार इस प्रकार सात्विक शक्ति के रूप में काम कर रहा है। यह एक निरंतर जो परिवर्तन की बात है वह आज इस प्रकार से बनी कि जब बाबा रामदेव ने इस योग की चर्चा की, आगे बढ़े, कुछ प्रचार प्रसार होने लगा, लेकिन इसको विश्वव्यापी स्वरूप देने का काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने किया। कभी कल्पना नहीं होती थी कि इस प्रकार का विश्व के अंदर योग दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय योग मनाया जाएगा। चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या प्राणायाम हो, क्या इतना ही योग है या योग का अर्थ कुछ उससे भी परे है, हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। हम नृत्य सीखते हैं वो भी ईश्वर की ओर, ईश्वर तक पहुंचने के लिए। हम चित्र निकालते हैं वह भी ईश्वर की ओर जाने के लिए। कोई भी ऐसी कृति नहीं है जो हमें ईश्वर तक नहीं ले जाती है, और इसीलिए यह संस्कृति है, सम्यक कृति है।